अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ मैं आपके साथ, जो है स्ट्रेस, हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, बी इट दी आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, फैमिली है। तो इसका जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट दुनिया में आता है वो ये कि जब नौजवान नस्ल है वो इवन के कॉलेज के दौर में भी अपनी नाकामियों से हमें देखा कि सुइसाइड की तरफ चले जाते हैं, और ख़ास करके यंग एग्जीक्यूटिव जो अपनी जॉब डिप्रेशन में होते हैं उनके लिए इस डिप्रेशन से निकलना और भी ज़रूरी है। वर्ल्ड ओवर दुनिया में दोस्तों की 1 अरब के करीब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो मेडिकल साइंस ने जो 3-4 मोटी मोटी बातें की हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा, वो ये है कि आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। दुनिया में ये लोग कहते हैं कि एक्सेप्ट द रियलिटी, और बीइंग अ मुस्लिम हम कहते हैं कि वी हैव अ फेथ ऑन दी सुप्रीम अल्लाह सुब्हान तआला कि उन्होंने आपकी किस्मत का फैसला किया हुआ। लेकिन अगर आप इसको रिलीजन में नहीं भी लाना चाहते तो आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। और सेकंड जो सबसे आसान चीज़ है कि आपका जो टाइम है मुश्किल का उसमें आपने अपनी तवज्जो को डाइवर्ट करना है। और जो सबसे बेहतरीन काम आप जो कर सकते हैं कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट है आपको अपने टाइम नहीं मिल सका, आप वो काम कीजिए। जैसे मुझे वॉक्स का शौक़ है या साइट सीइंग का शौक़ है, मैं वो काम करूँगा तो आप देखिएगा कि आपका जब डिप्रेशन है वो कम होना शुरू होगा। जब डिप्रेशन कम होगा आपका तो यू विल सी कि आपकी जो कामयाबी है वो आपको अट्रैक्ट करेगी और आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। और सबसे बड़ी सपोर्ट जो होती है, मैंने जैसे पिछले लेक्चर में कही थी, वो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, और इसके लिए जब आपने इसको मेडिटेशन एक कहते हैं उसको, मेडिटेशन में भी यही है कि आप अपने साथ कुछ वक्त गुजारें और गौर कीजिए। इस कैफियत में जब आप अपने जहन को डाइवर्ट कर लेंगे, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में टाइम गुजारेंगे और अपना जो आपका पैशन है उसको फॉलो करेंगे, फिर जब आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे आप देखिएगा कि आपको जो आपकी राहें हैं वो खुद ही खुद आपकी खुलती चली जाएंगी और आपके जहन को जिला मिलेगी। तो आज की छोटी सी बात में हाउ टू कूप द डिप्रेशन आपके साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद है अच्छा लगेगा, अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आखिर में वही, अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।